अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन बेहद सतर्क है। जिला प्रशासन ने 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या की सुरक्षा को लेकर काफी सराहनीय सुरक्षा व्यवस्था किया। अब कार्तिक स्नान को लेकर सुरक्षा में कोई चूक नहीं करना चाहता। अयोध्या शहर में सीओ सिटी अरविंद चरस्टा के नेतृत्व सुरक्षा बलों ने रूट मार्च किया। शहर के संवेदनशील स्थल पर सीओ सिटी ने ड्रोन कैमरा के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को देखा। अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से 10 ड्रोन कैमरे की तैनाती की गई है। अयोध्या में कार्तिक स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज शाम 5:34 पर शुभ मुहूर्त में कार्तिक स्नान मेला शुरू होगा, लेकिन कल भोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु सरयू स्नान कर पुण्य अर्जित करेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जजमेंट के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है, इसमें किसी भी तरीके की चूक जिला प्रशासन होने नहीं देना चाहता, लेकिन स्नानार्थियों की सुविधाओं का भी जिला प्रशासन ध्यान रख रहा है। अयोध्या प्रवेश मार्ग पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। बिना वाहन चेकिंग हुए लोगों को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। बकायदा परिचय पत्र के माध्यम से लोगों को पहचान कर अयोध्या में प्रवेश करने दिया जा रहा है। एसएसपी आशीष तिवारी का कहना है कि मठ मंदिरों में जो श्रद्धालु आए होते हैं उनको स्नान में किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होने देंगे, लेकिन जब तक धारा 144 लागू है तब तक सुरक्षा व्यवस्था जो बनी हुई है वैसे ही बनी रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा मेला जो है आज से शुरू हुआ है और इसके पहले 12 वफ़ात भी यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो जो जजमेंट के बाद की जो सुरक्षा व्यवस्था हमारी है और CPMF हो या PSC हो, लोकल पुलिस हो, आउटर पुलिस हो या जो हमारे बैरियर्स हैं वो सभी लोग ऑपरेशनल है। उसमें हमारा जो चेकिंग फ्रिस्किंग है वो भी चल रहा है, बट एट द सेम टाइम जनता की जो सुविधा है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन हल्का सा किया भी गया है और इसके अलावा क्योंकि अब हमारा कार्तिक पूर्णिमा का स्नान मेला है तो उसमें अलग से ड्यूटी डिप्लॉयमेंट जो है हमारे घाट्स और मंदिर वगैरह पर किया गया है, जिसमें क्योंकि भारी भीड़ की आने की संभावना होती है तो ट्रैफिक का प्लान भी किया गया है। LIU, ATS और ये फायर सर्विसेज सभी की सर्विसेज ली गई हैं, सभी के डिप्लॉयमेंट किए गए हैं, सभी की ब्रीफिंग कर दी गई है और ड्यूटीज़ ऑपरेशनल हो गई है। तो जब तक 144 जनपद में रहेगी तब तक हमारा जो है सुरक्षा पे खासतौर से सेंसिटिव माहौल में नज़र रहेगी, बट एट द सेम टाइम नागरिकों की समस्त सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। सारा यातायात संचालन हो रहा है, बाज़ार वगैरह सब खुले हुए हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह भी सभी खुले हुए हैं, इसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। चेकिंग की जा रही है सर, देखिए ये जो अयोध्या के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर जो हमारा सुरक्षा बल आया हुआ है जो CPMF है वो भी चेकिंग कर रही है और लोकल पुलिस भी उस पर चेकिंग कर रही है। ऑब्वियसली बात है कि इस वक्त हमारा जो फोर व्हीलर्स वगैरह हैं उनके लोगों के ID वगैरह कार्ड्स वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं जो गैर जनपद से है, तो जो सुरक्षा के माहौल में थोड़ा सा हम लोग को इस वक्त करना पड़ रहा है और इसको जारी किया जाएगा। क्षेत्र का, पूरे शहर क्षेत्र का लगभग हर चौकी क्षेत्र में हम लोगों ने RF लेके भ्रमण भी किया, कहीं किसी तरह की कोई बात प्रकाश नहीं आई। लोगों से मिलकर हम लोग कुशलक्षेम भी पूछे, सब लोगों ने संतोषजनक उत्तर दिया, कहीं किसी तरह की बात प्रकाश में नहीं आया। तीसरा दिन है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण यहाँ वातावरण है, पूरी मार्केटें आवागमन इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि जैसे पूर्वोत्तर होता रहा है अयोध्या में वैसा ही सब कुछ सामान्य हो चुका है। आज एक जुलूस है हमारे यहाँ सिख कम्युनिटी का, जिसको हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरी तरफ चाक चौबंद लगाकर उस जुलूस को सकुशल पार कराएंगे। उसी के दृष्टिगत आज ड्रोन कैमरे का ये कसाब बढ़ा ही रहा है, क्योंकि हमारा संवेदनशील माना जाता है। यहाँ पर हमने ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की है चारों तरफ कि कहीं कोई पेंटिंग ना हो, कोई अदर चीज़ें ना हो, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के तहत ये ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं।